खत को अस्करी क़यादत के साथ शेयर किया गया है। हमें खत में धमकी आमेज पैगाम दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वजाहत की, कहा ये एक खुफिया दस्तावेज है, इसको ऐसे नहीं दिखा सकते। खत दिखाना वज़ीर आज़म का इख्तियार और सवाबदीद है। एक पैगाम मिला, वो क़यादत से भी शेयर किया गया, यानी कि क़यादत मुराद वज़ीर आज़म, और हमने जो हमारे जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी शेयर किया। एक कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, एंड आई थिंक इट शुड स्टे विद दी अथॉरिटीज कंसर्न। मैंने जानदारी से उनको आगाह कर दिया, अब वो कितना और क्या कहना चाहते हैं, किससे कहना चाहते हैं, ये उनका अख्तियार भी है, सवाबदीद भी है। इमरान खान कहते हैं उनके पास बहुत से राज हैं, अगर उनके पास कोई राज होता तो आज दुनिया के सामने उसे नशर करते। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का वजीर आजम को जवाब, कहा इनके पास कोई राज नहीं, ये राज बताए बगैर चुप करके इसलिए बैठ गए क्योंकि ये लड़ नहीं सकते। इन्हें मालूम है अगर इमरान खान ने जुबान खोली तो वहां उसकी करप्शन के पलंदे भी खुल जाएंगे। ये भी बोली कि इल्जाम लगाते हो कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर छुप छुप कर मिलता है। वाज़े कर दूं, नवाज शरीफ जिससे भी मिलता है मुल्की मफाद के लिए मिलता है, तुम्हारी तरह मुल्की फौज और पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करता। नवाज शरीफ से इदारों को मत डराओ, ये इदारे, ये अवाम, ये मट्टी, ये मुल्क सब नवाज शरीफ का है।